तो गाइस एक एडवेंचर मूवी हिंदी डब में आई है जिसका नाम है स्विंग। इसे देखने के लिए आपको लगभग 1 घंटा 43 मिनट का समय देना पड़ता है और इसकी हिंदी डबिंग बस ठीक ठाक सी की गई है। चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, खून खराब आपको इसमें देखने को मिलता है। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया तो हो कि कहानी आखिरकार कहना क्या चाहती है। तो गाइस इसमें कुछ शिकारियों को दिखाया गया है जो शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं और उस जंगल में एक बाघ है और वह कोई साधारण बाघ नहीं है, वह बाघ किसी का भी रूप ले लेता है। मतलब समझ रहे ना, किसी का भी रूप ले लेता है, किसी भी इंसान का रूप ले लेता है वह बाघ। तो उसका बाद आगे फिल्म में क्या होता है, कौन सा ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलता है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस यदि आपने ज्यादा एडवेंचर मूवी नहीं देखा है और यदि आप अपने एक्सपेक्टेशन को बहुत कम कर लेंगे तो ये फिल्म आपको ठीक ठाक लगेगी, पर यदि आप अपने एक्सपेक्टेशन को बहुत हाई करके इस फिल्म को देखेंगे तो फिल्म आपको इतना पसंद नहीं आने वाली है। इसलिए आप अपने एक्सपेक्टेशन को बहुत कम कर लीजिए, उसके बाद इस फिल्म को देखिए, ठीक ठाक इंजॉयमेंट मिलेगा। बहुत अच्छा नहीं है फिल्म, बस ठीक ठाक सा है। और हाँ, फिल्म को देखते समय अपने छोटे से दिमाग का उपयोग मत कीजिएगा वरना फिल्म आपको बहुत ही मतलब बचकाना सा लगेगी। एक्शन एक्शन की बात करूं तो जी हाँ, बाघ और शिकारी विकारी का बीच का जो एक्शन सब देखने को मिलता है वही सब आपको देखने को मिलता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करूं तो किसी ने भी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं की है कि आप उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाए, और जब इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं तो फिल्म देखने में उतना मजा नहीं आता है जितना आना चाहिए। आपके अंदर जो कैरेक्टर को लेकर एक केयर होना चाहिए वह बिल्ट नहीं हो पाता है और मेकर्स इस चीज में पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। VFX CGI की बात करूं तो बस काम चलाओ VFX और CGI दिया गया है तो आपको काम चलाना होगा। प्रोडक्शन क्वालिटी जो सिनेमेटोग्राफी सब है, फिल्म को बहुत ही खूबसूरत तरीके से शूट किया गया है तो वह सब में आपको डिसअपॉइंट नहीं होगा, पर VFX और CGI में जरूर होगा। और कहानी में आपको कुछ भी नयापन देखने को नहीं मिलता है, इस तरह की कहानी आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट है, यदि आपके पास कुछ भी अच्छा देखने को नहीं है, आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो आप इस फिल्म को बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन के साथ देख सकते हैं, ठीक ठाक इंजॉयमेंट मिल जाएगा। ऐसे मैं आपको हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा, और चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।